सैलरी पे की रोजगार नहीं मिला है, वो अलग चीज है। और जो आप आंकड़े बता रही थी, आपने ये तो बता दिया कि 3.2 पे बेरोजगारी दर है, लेकिन ये भी बताओ कि पिछले साल भी 3.2 ही थी और इस साल भी उतनी, यानी इस साल में एक साल में कोई परिवर्तन नहीं है। आप तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए हैं दो चीजें हुई हैं। जब से मोदी जी आए हैं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ तब थी बेरोजगारी दर 6.0% थी और आज वो घटते घटते 3.2 हो गई है। उस वक्त से लेकर आज तक आधी हो चुकी है। मैं दो बातें कह रहा हूँ, दोनों बातें, जब से मोदी जी आए माहौल खराब हो गया है। दोनों बातों को कोई खंडन नहीं कर सकता। एक तो मोदी जी ने सरकारी नौकरियां कम की हैं, दूसरे मोदी जी के शासन में गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं और अमीर और ज्यादा अमीर हुए। जफर इस्लाम साहब, दो बड़े आरोप। देखिए रूबिका जी, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ये लोग जो है हर सरकार के हर आंकड़े को, चाहे कुछ भी आंकड़ा हो उसको गलत, देश के बाहर के आंकड़े हैं वो भी गलत, नौकरियां हो ईपीएफ के को आंकड़े वो भी गलत। मतलब अगर भाटी जी को उनके जो उनके जो यादव जी हैं उनके घर से अगर कुछ आ जाता आंकड़ा वो सही है, इसलिए कि वो उनके यहाँ से आया, उनको टारगेट करना। अभी तो मोदी जी के घर से आया। दुनिया की हर एजेंसी, एक मिनट सुनिए ना, दुनिया की हर एजेंसी जो इंडिपेंडेंट है, जो वेरीफाई करती है सब डेटा को, देखिए हमारे डेटा को, आपके डेटा को कोई वेरीफाई नहीं करती, हमारे डेटा को, देश के डेटा को पूरी दुनिया में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है वेरीफाई करती है। तीन चीज, तीन मेथड से वेरीफाई करती है। मेथोडोलॉजी क्या है, क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं किया? पुराने जो मेथोडोलॉजी से जो अभी भी वही है, क्या कोई ऐसे आंकड़े, ऐसा पैरामीटर कहीं जोड़ तो नहीं दिया जिससे कि कोई परिवर्तन आ जाए? ये सारी चीजें देख के उसके बाद रीवैलिडेट करते हैं उस नंबर को और फिर अपने रिपोर्ट को जारी करते हैं कि हमारे हमारे अनुमान इतनी एम्प्लॉयमेंट रेट है या इतना ग्रोथ रेट है। और हर जगह पर आप लोगों ने उसी आंकड़े का इस्तेमाल किया है पूरे जब 10 साल की यूपी की सरकार रही उसके बाद, लेकिन आज आपको उन आंकड़ों से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन देश आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जो खुशहाल है, लेकिन आपको, आप बेहाल हैं इसलिए आपके पेट पे इस तरह के जो बढ़ती हुई बढ़ती हुई जो साहब, आप समझते हैं कोई फिल्म का कॉन्सेप्ट भले ही चले ना चले लेकिन डायलॉग चल जाते हैं और आपने वो डायलॉग यहाँ पर विपक्ष ने जो मारे ना वो दिमाग में रह गए हैं। आंकड़ों से आप कैसे काटेंगे वो आपको खोजना जरूरी है, क्योंकि फिर कह रही हूँ आंकड़े तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन बार बार अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप चले जाइए किसी भी घर में, वो यही कहेगा कि बेरोजगारी हमें मार रही है। अगर ये नैरेटिव बन रहा है तो उसे धोने का काम भी आप ही का है और ऐसा लग नहीं रहा है कि आप वो काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।